वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही बढ़िया ऑयल बनाने जा रहे हैं। उसका नाम है कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। शिशु के शरीर की मालिश के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा तेल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल त्वचा के चकत्ते और संक्रमण को दूर करता है। आप भी घर पर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल बना सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमें समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करें। वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने के लिए हमने यहाँ 3 नारियल लिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक नारियल ले सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने के लिए पका हुआ और अच्छी गुणवत्ता वाला नारियल लें। सबसे पहले नारियल को तोड़ लें। अगर आप नारियल तोड़ना जानते हैं तो भारी चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो चाकू के पिछले हिस्से से नारियल तोड़े, यह आपके लिए सुरक्षित रहेगा। अब नारियल को कद्दूकस करने वाली मशीन से कद्दूकस कर लें, या तेज चाकू की मदद से नारियल के गूदे को नारियल के खोल से अलग कर लें। नारियल की बाहरी भूरी परत को हटाने की आवश्यकता नहीं है। यह वर्जिन कोकोनट ऑयल निकालने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। यदि आप हटाना चाहें तो बाहरी भूरी परत को हटा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। यदि आप गर्म पानी मिलाते हैं तो अधिकतम नारियल का दूध निकाला जा सकता है। अब नारियल का दूध निकालने के लिए पिसे हुए नारियल को मलमल की थैली या मलमल के कपड़े का उपयोग करके निचोड़े।
अब कटोरे को साफ कपड़े से ढक दें। या आप क्लिंग फिल्म या एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग कर सकते हैं, या साधारण ढक्कन से बंद कर सकते हैं और इसे साफ सुथरे गर्म स्थान पर रखें, यानी गर्मी के मौसम में 8 से 12 घंटे तक कमरे के तापमान पर रखें। सर्दियों के मौसम में हमें थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तापमान बनाए रखने के लिए कटोरे को ऊनी शॉल या कपड़े से ढक दें और फर्मेंटेशन के लिए इसे रसोई जैसी गर्म जगह पर रखें। बारह घंटे के बाद आप नारियल के दूध को फर्मेंटेशन होते हुए देख सकते हैं। दही, नारियल तेल और पानी अपनी आप अलग हो गए। अब कटोरे को 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें या फिर 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। यह सुनिश्चित कर लें कि कटोरे को रेफ्रिजरेटर में स्थानांतरित करते समय कटोरे को हिलाएं नहीं। 6 घंटे बाद पानी अलग कर लें और नारियल तेल और दही के मिश्रण को पीसकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब यदि उपलब्ध हो तो कटोरे को क्लिंग फिल्म से ढक दें या ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं और इसे कमरे के तापमान पर रखें जब तक कि नारियल तेल और दही का मिश्रण पूरी तरह से पिघल न जाए। मिश्रण पिघलने के बाद दही से नारियल का तेल अलग हो जाएगा। इस समय नारियल का तेल इकट्ठा न करें, यह दही के साथ मिल सकता है। आप वर्जिन कोकोनट ऑयल दही और पानी को अलग होते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कटोरे को अगले 6 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में सावधानी से रखें। सावधान रहें कि कटोरे को हिलाएं नहीं। छह घंटे बाद वर्जिन कोकोनट ऑयल और दही को अलग कर लें। जमे हुए नारियल तेल से दही को चाकू की सहायता से सावधानी पूर्वक अलग कर लीजिए। सफेद भाग को मत हटाइए
यह वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इस दही को फेंके नहीं, हम इससे अधिक नारियल तेल निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया इस वीडियो के अंत में देखी जा सकती है, इसलिए देखते रहें। अब कटोरे को बंद करें और अलग किए गए वर्जिन कोकोनट ऑयल को पिघलने और साफ वर्जिन कोकोनट ऑयल को अलग करने के लिए कमरे के तापमान पर रखें। शुद्ध और साफ कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल अब तैयार है। छानने के लिए मलमल के कपड़े का उपयोग करके वर्जिन कोकोनट ऑयल को सावधानी से एक दूसरे कटोरे में डालें। शिशु के शरीर की मालिश के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा तेल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल त्वचा के चकत्ते और संक्रमण को दूर करता है। शिशु के सिर की मालिश के लिए होट प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल का उपयोग करें। वर्जिन कोकोनट ऑयल को एक एयरटाइट कांच के जार में रेफ्रिजरेटर में रखें। अब बारी है बेकार दही से नारियल तेल बनाने की। इसके लिए स्टोव पर एक कढ़ाई रखें और बचा हुआ दही डालें और मध्यम आंच पर कुछ देर तक हिलाएं। देखिए, हमें बेकार दही से इतना नारियल तेल मिल गया। वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ नारियल तेल को मिक्स न करें, इसे अलग रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।